अस्सलामुअलैकुम जनाब, अज माशाल्लाह तुहाडे वास्ते जिहड़े ने जानवर वलैती जिहड़ा उह तुहाडे वास्ते लैके आया और वलैती जानवर है और राइडिंग वास्ते माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। पहले भी तुसीं राइडिंग इहदी देख सके देख लईए और वीडियो दे दौरान जनाब दो वारी जिहड़ी राइडिंग दे क्लिप जिहड़े ने इंशाल्लाह तुहाडे नाल शेयर कीते ने। इस टाइम सवार जिहड़ा उत्तों घोड़े तों लैके ते घोड़े नूं माशाल्लाह लैके जा रहा, तुसीं देखिए राइडिंग वास्ते माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अच्छी चीज़ है जी थोड़े नाल असीं शेयर करते पे हाँ। तो जेकर तुसीं वाकई एक जिहड़ा है अच्छी खसलत वाला जिहड़ा घोड़ा लेना चाहते जे और राइडिंग वास्ते लेना चाहते जे और राइडिंग करना चाहते जे तो फिर जनाब ये घोड़ा थोड़े वास्ते माशाल्लाह बेस्ट है, अच्छी चीज़ है। बच्चों को राइडिंग वास्ते इस तरह ही जानवर रखना चाहिए जिस तरह का असीं तुहानूं इस वीडियो दे विच तुहानूं असीं दिखाया। तो लो जनाब माशाल्लाह हाइट जिहड़ी है इस घोड़े की मैं तुहानूं दसां कि हाइट इस टाइम घोड़े की तकरीबन 63-64 हाइट हैगी है और ये प्योर वलैती जानवर है और मोना डिपू तो जनाब ये घोड़ा खरीदया गया और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम किया और वेचन की रीज़न जिहड़ा वो वेचन का रीज़न भी तुहानूं मैं दस दिया। इहदे विच वेचन का रीज़न कोई ये नहीं है कि कोई यानी कि बदमाश है या इहदी फसलत बुरी है या कोई इस तरह की कोई हुंदा है ना, लोग कहिंदे ने कि जनाब बाबा जी फिर जे इन्ना अच्छा घोड़ा तो वेच दिओ पैणे, तो जनाब वेचन का रीज़न ये बिल्कुल तुसीं नहीं समझना कि इहदे विच कोई ऐब है। घोड़ा बिल्कुल ठीक है और सवारी करके भी तुहानूं दिखाया इस वास्ते कि हर चीज़ का सवाल जिहड़ा है तुहाडे सामने आ जाए और जिस तरह मुंडे ने राइडिंग की है और इस चीज़ का सबूत एक घोड़े दे विच राइडिंग वास्ते जिहड़ा कोई यानी ऐब नहीं है घोड़े दे। तो लो जनाब माशाल्लाह हाइट जिहड़ी इहदी 63-64 इहदी हाइट है और हत्थां पैरां दा माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा घोड़ा है और तुसीं जिहड़ा हैगा बच्चों वास्ते जनाब तुसीं लै सकदे जे। प्योर वलैती है, मोना डिपू तो यह जनाब हासिल किया गया और शौक वास्ते हासिल किया गया सी। तो हुण जनाब ये जिहड़ा मालक जिहड़े ने इहनू सेल करना चाह रहे हैं। अगर कोई ख्वाहिशमंद दोस्त लेना चाहता होवे और खरीदना चाहता होवे जनाब तो उनके वास्ते माशाल्लाह बेस्ट चीज़ है और इस वीडियो के अंदर जनाब असी तुहानूं इहदी कीमत भी इंशाल्लाह जरूर मैनशन करांगे। मालक जिहड़े ने इस जानवर की जिहड़ी डिमांड कर रहे हैं और मांग रहे हैं 3 लाख रुपया जनाब इस घोड़े की डिमांड करते पे ने और इन दे विच एक फाइनल जिहड़ा वो कीमत नहीं है। 3 लाख रुपया भी तुसीं सुन के जिहड़ा वो घबराना नहीं है, इन दे विच भी प्यार मुहब्बत की गुंजाइश रखी जाएगी और इंशाअल्लाह ताला तुहाडे नाल बकायदा जिहड़ा ना प्यार मुहब्बत किया जाएगा, ये डिमांड है। तो दूसरी गल हैगी कि हाथ पैर बिल्कुल तुहाडे सामने ने और जिस तरह लड़के ने पकड़िया होया सील साऊ है और हर तरीके नाल तुसीं जिस्म वेख सकते जे और नंबर भी उनका जरा पट के उत्ते दर्ज है। देखो नंबर लिखा जरा वलैती जरा कागजात के उत्ते नंबर लिखा हों, नंबर भी बकायदा लिखा हुआ 303 इहदा नंबर है। अगों पिछों अगर तुसीं इहदे जिस्म नूं भी टच करते रहो, वाल भी इहदे टच करते रहो, कुशल भी पट्टो, जिवें मर्जी हाथ फेरो, जिस्म के उत्ते तुसीं हाथ फेरोगे तो बिल्कुल कोई खामोश तबीयत है क्योंकि वलैती जानवरों के जी एक खसूसियात पाई जाती है कि ऊने जड़े है गर्म मिजाज दे नहीं होंगे, लेकिन गर्म मिजाज उदो होंगे ने जो मैदान इन्हों इनू परख्या जाए और जड़ा है इनू पजा के देखा जाए। तो जनाब पिछे तुम्हें नंबर दस दे पे, यह नंबर जरा पिछे देख रहे जो तुम ये 303 नंबर है और अगे वाला जरा उनके अगले जरा फर के उत्ते वो है वो नंबर थोड़ा जा मिटिया, लेकिन जो मैं नज़र आ रहा ये तकरीबन 18 लिखा हुआ M18
M18 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਮੋਨਾ ਡਿਪੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਨਾ ਡਿਪੂ ਦਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘੋੜਾ ਹੈ ਔਰ ਵਲੈਤੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਅਗਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਝੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸ਼ੌਕ ਵਧਦੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ।